हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। अब बेटा फंडामेंटल और पार्टनरशिप का लास्ट क्लास है, हेड है। और ये क्वेश्चन पार्ट 60 है, हेड है। अब क्वेश्चन में 55 है और पास है जिसमें क्वेश्चन में 22 है, हेड है। पास हमसे ज़्यादा क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि लास्ट थ्री ईयर्स का क्या कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, हेड है। लास्ट थ्री ईयर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है? और चूंकि इंटरेस्ट बराबर जो एक्सपेंस है वो क्या हुआ, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट में कन्वर्ट होने की वजह से प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गिवन प्रॉफिट सेम रेशियो में। इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसकी हर साल की रेशियो क्या था, सेम था। इसलिए तीनों साल के प्रॉफिट को क्या इकट्ठा कर लिया, तीन साल चार साल जो भी दिया जाएगा इकट्ठा करके एक बार में बांट दिया। लेकिन ये क्वेश्चन में डिफरेंट है, इस क्वेश्चन में हर ईयर का रेशियो क्या बेटा चेंज है, इसलिए आपको हर ईयर का प्रॉफिट आपको दिखाना ही पड़ेगा इन डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में, ठीक है बेटा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलग सा रहती है, हर साल का अलग अलग नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो क्या है, सेम है। इसलिए एक साल का निकाल करके तीन से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उतना दिखा दिया करूंगा, ठीक है बेटा। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब पढ़ते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पास एस्टिमेट का 22 क्वेश्चन है बेटा, पार्ट 60 है, क्वेश्चन नंबर 55 है। सोनी मोनी एंड टोनी आर पार्टनर्स हुज फिक्स कैपिटल, कैपिटल क्या बेटा फिक्स है। अब वो कैपिटल क्या बेटा फिक्स है, कैपिटल क्या फिक्स है, वर्थ 10,000, 8,000 एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट देयर इज अ प्रोविजन फॉर अलाउंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, कितना बेटा 5% पर एनम है। बट एंट्रीज फॉर द सेम हैव नॉट बीन मेड फॉर द लास्ट ईयर, क्या बोल रहा है कि लास्ट ईयर से ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने किया नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग थ्री ईयर्स रिमेन एज फॉलो। देखो 2019 का क्या रेशियो है, 4:3:5, ठीक है। 2020 का 3:2:1 और 2021 का 1:1:1, ये मतलब हर साल का रेशियो क्या चेंज है। इसलिए हर साल के प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा बेटा, अलग अलग दिखाना ही पड़ेगा ड्यू टू चेंज इन रेशियो। यदि तीनों साल के रेशियो सेम होता तो तीनों साल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ लेते और गिवन रेशियो में क्या कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर साल को करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेशियो डिफरेंट है हर साल के। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर थ्री ईयर, थ्री ईयर का कैलकुलेशन करें। फॉर सोनी के लिए 10,000 × 500 × 3, ये एक साल का हो गया बेटा, 300 रुपया कर दिया तो थ्री ईयर का हो गया। फॉर मोनी के लिए 8,000 × 500 × 3, 1,200। फॉर टोनी के लिए 6,000 × 500 × 3, 900, टोटल हो गया 3,600। मतलब 3 ईयर्स में आपने 3,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया, क्लियर है। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। जब आपने एक्सपेंसिस नहीं दिखाया तो इतना एक्सपेंसिस किस में कन्वर्ट हो गया, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इस प्रॉफिट में को आपने गिवन रेशियो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लियर। ये हुआ है, अब इसको सुधारना है। देखिए यहाँ पर मैंने नोट लिख दिया, टोटल एक्सपेंसिस नोट रिकॉर्डेड इन लास्ट थ्री ईयर्स, लास्ट ईयर्स में आपने एक्सपेंसिस नहीं दिखाया। इट मीन्स दैट एक्सपेंसिस, दैट एक्सपेंसिस का मतलब बेटा ये दैट एक्सपेंसिस का क्या मतलब हो गया, ये वाली ये 3,600, ये वाली दैट एक्सपेंसेस, ये वाली एक्सपेंसेस, ये दैट एक्सपेंसेस, ये वाली एक्सपेंसेस कन्वर्टेड इनटू इनकम, इतने बराबर क्या हुआ, इनकम में कन्वर्ट हो गया। एंड हैड बीन रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन रेस्पेक्टिव ईयर्स इन रेस्पेक्टिव रेशियो, रेस्पेक्टिव ईयर में रेस्पेक्टिव रेशियो क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक बेटा। तो देखो इसको कैसे दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट शोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, स्टेटमेंट शोइंग शोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स,
सोनी मोनी टोनी, सोनी सोनी मोनी टोनी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल शुड हैव बीन क्रेडिटेड, कितना बेटा इसको कितना मिलना चाहिए था, 1500 इसको मिलना चाहिए था, 1500 तीन साल में इससे मिलना चाहिए था 1200 और इसको मिलना चाहिए था 900 नहीं इतना आना चाहिए क्या। और प्रॉफिट हैड बीन नॉर्मली कैटेड, प्रॉफिट प्रॉफिट हैड बीन नॉर्मली क्रेडिटेड। फॉर 2019 1200 इन फोर इज टू थ्री इज टू फाइव तो इसमें जो डिवाइड किया कितना था, 400, 300 और 500 फॉर 2020 इन 3:2:1 600, 400 or 200 for 2021 in 1:1 400 ये 1400 हो गया, ये 1100 हो गया, 1100 हो गया, ठीक बेटा। ये इस ये सोनी के अकाउंट में इतना ऑलरेडी हो चुका, मोनी अकाउंट में 1100 हो चुका और टोनी के अकाउंट में 1100 ऑलरेडी हो चुका, पर होना कितना चाहिए 1500 ज्यादा होना चाहिए था।
सोनी के अकाउंट में 100 से ज्यादा होना चाहिए तो कर दीजिए 100, ज्यादा होना चाहिए तो सीआर कर देंगे। और इसको 1200 ज्यादा होना चाहिए था पर 1100 और ज्यादा करेंगे मतलब सीआर कर देंगे। देखो बेटा उसे होना कितना चाहते 900, टोनी को अकाउंट में कितना होना चाहिए 900 पर हुआ कितना 1100, तो 200 से क्या कर दिए डेबिट कर दीजिए। ठीक बेटा बहुत ही सिंपल है। ठीक है और ये कैपिटल क्या है फिक्स है तो फिक्स कैपिटल जो कुछ भी एडजस्टमेंट होता है वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा। तो देखिए क्या करेंगे टोनीज कैपिटल अकाउंट या नहीं टोनीज करंट अकाउंट होगा बेटा सॉरी क्योंकि आपका कैपिटल क्या फिक्स है तो एडजस्टमेंट एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री यहां हो गया टोनी 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 करंट अकाउंट दिया 200 टू सोनीज करंट अकाउंट सोनीज करंट अकाउंट 100 टू मोनीज बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री के पास देखो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये पास एस्टिमेट का बेटा लास्ट क्वेश्चन है। पास एस्टिमेट क्या फंडामेंटल का लास्ट क्वेश्चन हो गया 60 पार्ट है 55 क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन बेटा पास एस्टिमेट से रिलेटेड है ले रहे इसको पैडिस कीजिए इसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक बेटा ये अपने ग्रुप में बेटा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बेटा। ये बहुत ही सिस्टम में बनाया गया है बहुत ही सिस्टम में आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं नॉट नीड टू गो एनीवेयर इफ यू फॉलो ऑल दिस थिंग्स। ठीक है बेटा ओके थैंक यू।